नमस्कार स्टूडेंट, आशा करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल स्वस्थ और प्रसन्नचित होंगे और अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा स्ट्रेट लाइन का एक बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट। इस कंसेप्ट को समझकर आप बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है। मेरा उद्देश्य आपको इस कॉन्सेप्ट को समझाने का है, इस पर डिपेंड क्वेश्चनों को आप बहुत अच्छी तरह से कर सकते हो। यदि इस तरह के बहुत सारे वीडियो आप देखना चाहते हो तो 11th क्लास की प्लेलिस्ट अवेलेबल है, उस प्लेलिस्ट पर जाकर आप बहुत सारे चैप्टर वाइज क्वेश्चन देख सकते हो, एक बार जरूर देखिएगा। आज का कंसेप्ट क्या है जरा समझें। आज का कंसेप्ट आपके लिए ये है कि आप बहुत अच्छी तरह जानते हो बातों को, ठीक है ना। ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये स्ट्रेट लाइन इस पॉइंट से पास आउट हो रही है जिसके कोऑर्डिनेट आपको x1 y1 है और ये जो स्ट्रेट लाइन है इसके साथ थीटा एंगल बना रही है। मैं इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन नहीं बता रहा हूँ, इक्वेशन तो आपको मैं बता चुका हूँ, ठीक है ना। इस लाइन की इक्वेशन होती है y-y1 = m x - x1, ठीक है ना। m कैसे निकालते हो आप, m निकालते हो आप tan थीटा। m इक्वल टू कितना होता है, tan थीटा। जब आपको थीटा पता है तो इक्वेशन आप इस तरह से निकाल सकते हो, ठीक है। यदि आपको m पता है तो डायरेक्ट m पुट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपके पास यहां कंसेप्ट यह है कि इस पॉइंट से r डिस्टेंस पर एक कोऑर्डिनेट बताइए। यहां से यहां तक r डिस्टेंस पर यह जो p पॉइंट होगा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताइए, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी आर है, वो 2 यूनिट हो सकती है, वो 3 यूनिट हो सकती है, 4 यूनिट हो सकती है, ठीक है ना। बात समझ आ रही है ना। आपको इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने, मान लेता हूँ इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स और वाई है, आपको बताना है कि एक्स और वाई क्या होगा, ठीक है ना। ये चीज़ बतानी है। इसके लिए आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आपके पास y-y1 = m x - x1 है, आप इसे लिखेंगे y-y1 = m। m क्या होता है, tan थीटा। यदि आपको m दे रखा हो तो वहां से tan थीटा निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो tan थीटा कितना होगा, x माइनस क्या क्या होगा, x पर। अब आप जैसे आपको m दे रखा है √3, तो आप लिख लीजिएगा कि tan थीटा कितना है, tan 60 tan π/3। तो आप क्या लिखोगे, tan π/3। यहां पर क्या लिखा जाएगा, tan π/3। आप यहां पर लिख सकते हो y-y1 = sin θ / cos θ = x - x1। आप ये ले सकते हो। आप इसको इसके नीचे लाके y-y1 / sin θ / x - x1 = cos θ, आप ये ले सकते हो। देखिए ये एक रेशियो है, ठीक है, a1/a2 = b1/b2, इस तरह का एक रेशियो है ना। इस रेशियो को आप इसके बराबर मान लीजिए, आर डिस्टेंस है ना, इसके बराबर। आपको ये 2 दे रखा है तो इसको 2 के इक्वल रख लीजिए, यदि 3 दे रखा है तो आप 3 के इक्वल रख लीजिए। तो आपने मान लेता हूँ ये आर के इक्वल रखा, राइट। तो आप इसको और इसको लीजिए तो आपके पास क्या रेशियो आएगा, x - x1 / cos θ = कितना आएगा, आर आएगा। आपको निकालना क्या है, एक्स निकालना है ना। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x - x1 = r cos θ। यदि आपको tan थीटा दे रखा है, tan थीटा मान लेता हूँ आपके पास कितना दे रखा है, √3 दे रखा है ना, और आपसे पूछा जाए कि cos थीटा निकालिए, तो आप निकाल सकते हो, आप ट्राइंगल बना के भी निकाल सकते हो, है ना। यहाँ पर कोई वैल्यू मान लेता हूँ 3/4 दे दी जाए, वैल्यू यहाँ पर 3/4 दे दी जाए, पूछा जाए अब cos थीटा क्या होगा, तो आप निकाल सकते हो ना। यहाँ पर ये 3 रहेगा, ये 4 रहेगा, ये थीटा रहेगा, ये 5 रहेगा, तो यहाँ से cos थीटा क्या हो जाएगा, 4/5। तो यहाँ पर क्या पुट कर सकते हो आप, 4/5 पुट कर सकते हो, क्लियर है, ठीक है। यदि आप यहाँ से x निकालना चाहते हो तो x1 + r क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा। तो आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर जो x की वैल्यू आएगी वो x1 + r cos θ आएगी, ठीक है। बस में आ गई दूसरी बात। अब आपके पास ये निकाला जाए y, तो y निकालने के आप क्या करेंगे, इसको इसके इक्वल रखिए, तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे y-y1 / sin θ = r। तो y-y1 = क्या हो जाएगा, r sin θ हो जाएगा।
तो वाई जो हो जाएगा वो वाई वन प्लस क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो आपको आर डिस्टेंस पर यदि कोई पॉइंट निकालना हो तो आप ये पॉइंट जो है एक्स और वाई जो है इससे लाइन के ऊपर लाई करेगा जो इससे आर डिस्टेंस दूरी पर होगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, लेकिन आपको यहां पर आर नहीं दे रखा है। मान लेता हूं आपको क्वेश्चन कुछ इस तरह का दे दिया जाए कि वो ये कह दे आपसे कि ये कोई स्ट्रेट लाइन है, जरा कंसेप्ट समझिएगा, इससे लिंक लेगा बात को, कि ये आपको इसकी इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, और ये पॉइंट आपको एक्स वन वाई वन दे रखा है और यहां पर एक लाइन जा रही है, बताइए इस सेगमेंट की दूरी क्या है, इस सेगमेंट की डिस्टेंस क्या है, लेंथ क्या है। ठीक है ना, ये पॉइंट ए आपके पास, ये मान लेता हूं पी है, ध्यान रखिए ये एंगल थीटा है, ये परपेंडिकुलर लेंथ नहीं है। आप सोचोगे परपेंडिकुलर लेंथ निकाल दी जाए कि हम ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दें, ये परपेंडिकुलर लेंथ नहीं है। आपको इस लेंथ को निकालना है, आपको इसकी इक्वेशन दे रखी है, मान लेता हूं इसकी इक्वेशन आपको ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो दे रखी है, इस लाइन की इक्वेशन। ठीक है, और ये जो लाइन है आपको, ये जो इक्वेशन है या ये स्ट्रेट लाइन है, ये किस पॉइंट से पास आउट हो रही है, ये एक्स वन वाई वन से पास आउट हो रही है और यहां पर थीटा एंगल बना रही है। तब पूछा जाए बताइए इस लाइन सेगमेंट की डिस्टेंस क्या होगी, यहां से यहां तक डिस्टेंस क्या होगी। ठीक है, तो क्या करेंगे आप, मैं मान लेता हूं कि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो आर होगी। ठीक है, यदि आपको आर दे रखी है और आप यहां पर कोई पॉइंट निकालना चाहते हो तो आप इस तरह से पॉइंट निकाल सकते हो, आपको पता है एक्स ये पता लग जाएगा और वाई ये पता लग जाएगा। ठीक है, जब आपको आर दे रखा है तो, यदि आपको आर नहीं दे रखा और आपको आर निकालना है तो क्या होगा, हमने मान लेता हूं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स और वाई है, तो ये दोनों कोऑर्डिनेट जो है इस लाइन को, इसी इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, इसी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। कहने का मतलब क्या है कि आप यहां ए रहने दें और एक्स की जगह पर इस एक्स के ऊपर आप क्या लिख लें, एक्स वन प्लस आर कॉस थीटा प्लस बी बाई वन आर साइन थीटा लिखें और प्लस सी इक्वल टू कितना है, जीरो। तो आप यहां से क्या सॉल्व कर सकते हो, आर सॉल्व कर सकते हो ना, आपको पता है, आपको ये पता है कि ए एक्स वन प्लस ए आर कॉस थीटा प्लस बी बाई वन प्लस बी आर साइन थीटा प्लस सी आएगा बराबर जीरो। आप इन दोनों में से आर कॉमन ले लो, है ना, बाकी नंबर इधर ले जाओ, तो आप आर कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, है ना, और ये हो जाएगा आपके पास सी माइनस ए एक्स वन माइनस बी वाई वन, राइट। इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आर की वैल्यू निकल जाएगी, दिस अपॉन दिस वैल्यू। बात को समझ में आई, ध्यान रखिएगा सी ए एक्स वन माइनस बी एक्स वन पर ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, क्या निकाल सकते हो आप, यहां से यहां तक की डिस्टेंस निकाल सकते हो, यहां से यहां तक की लेंथ निकाल सकते हो, ये परपेंडिकुलर लेंथ नहीं है। इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालें, इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होगी, इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन इस तरह से निकलेगी। ठीक है, फिर आप क्या करें, इस लाइन का और इस लाइन का आप इंटरसेक्शन पॉइंट निकालें, ये पॉइंट निकालें, तब आप इन दोनों के बीच की डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस निकालें, एक लंबा प्रोसीजर हो जाएगा, ये जो काम होगा इस शॉर्ट प्रोसीजर में जाएगा और इस काम को आप जल्दी से कर सकते हो। इस कंसेप्ट का यूज आप कहीं और जगह भी कर सकते हो, बहुत जगह एप्लीकेबल हो सकता है। ठीक है, लेकिन आप समझ गए होंगे कि यदि आर डिस्टेंस पर यदि हम कोई पॉइंट निकालना हो तो वो कैसे निकाला जाएगा, यदि कई बार ये लेंथ हमें फाइंड आउट करनी हो, ये इक्वेशन दे रखी हो, तो ये लेंथ कैसे फाइंड आउट करेंगे शॉर्ट तरीका से। मैं समझता हूँ मेरी बात समझ में आ गई होगी। यदि इस तरह के बहुत सारे वीडियो आप देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहाँ पर आप जाके जरूर देखें। और हाँ, ये वीडियो मेरे कहने से अपने फ्रेंड को जरूर शेयर करिए जिससे उनका भी भला हो सके। आप अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।